हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखिए एक बहुत ही अच्छा चीजों के ऊपर बात करेंगे, जो है वो है ऑयल एक्सपोर्ट फ्रॉम रशिया। देखिए, इंडिया जितना भी ऑयल मंगवाता है उसमें तो देखिए आपको पता होगा टॉप में है इराक, उसके बाद आ जाता था सऊदी अरेबिया। इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा एक डेटा पे, जहां से आपको ये पूरा जो चीज है ना ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये चार्ट को थोड़ा एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये चार्ट बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, बस एक साल पुराना है, लेकिन आपको यहाँ से एक ओवरव्यू मिल जाएगा। देखिए, हम लोग जब ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना, सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं इराक से, उसके बाद आ जाता है सऊदी अरेबिया से, उसके बाद यूएसए, और उसके बाद ये जो थोड़ा ब्राजील में से, रशिया से, मैक्सिको से, कुवैत से भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। देखिए, अभी जो करंट सिचुएशन है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रशिया इराक से तो हम लोग सबसे ज्यादा ऑयल मंगाते हैं, लेकिन जहाँ पे वो सऊदी अरेबिया आपको दिखाया था ना, वो सऊदी अरेबिया का हम लोग रिप्लेस करते करके अभी क्या हुआ है, ये रशिया को हमने सबसे, रशिया से हम लोग सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। और इसका देखिए रीजन आपको पता होगा, जो करेंटली जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ना, तो इनका जो प्राइस है, ये प्राइस आपको बहुत ऊपर आपको दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखिए, यहाँ से आप जो ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अपडेटेड है, और ये अभी भी कमोडिटी मार्केट ऑन होता है, ऑन मतलब चालू है, ऐसा नहीं, ये इक्विटी मार्केट नहीं है कि ये 3:30 बजे बंद हो जाता है, ये 24/7 ही चलता है। देखिए, ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी भी ऑलमोस्ट 121.17, ये देखिएगा थोड़ा थोड़ा अपडेट हो रहा है। तो ये जो ऑयल का प्राइस हम लोग बहुत ऊपर आ चुका है। देखिए, इसका रीजन आपको पता होगा, जो रशिया यूक्रेन वॉर, उसके वजह से ये जो ऑयल का प्राइस है वो बहुत ऊपर है, और रशिया क्या करता है, हमें डिस्काउंट में ऑयल दे देता है। तो इसके वजह से इंडिया ने क्या किया, रशिया से बहुत सारा ऑयल परचेस कर लिया, ठीक है। तो हमें वो कम भी मिल गया, इसके वजह से मतलब जो कॉस्ट होता है ना वो थोड़ा कम हो गया। और आप देख लीजिए, सिर्फ इंडिया का जो गवर्नमेंट कंपनी है, फॉर एग्जांपल ONGC, IOCL, ये सब नहीं है, इवन रिलायंस इंडस्ट्री जो प्राइवेट कंपनीज है, वो भी रशिया से बहुत ही ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहा है अभी। देखिए, इसके वजह से क्या होता है कि सिर्फ पेट्रोल डीजल का प्राइस भी कम नहीं होता है, मान लीजिए और भी बाई प्रोडक्ट जैसे निकलता है ना, तो फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये इंडियन ऑयल का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आपको पता चलेगा, ये जो देखिए केरोसिन का भी प्राइस भी थोड़ा हमें मतलब थोड़ा सब्सिडाइज रेट में मिल जाता है। और ये देखिए दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये देखिए डिफरेंट प्राइस होता है। तो देखिए डिफरेंट प्राइस होता है, उसका रीज़न वही है, स्टेट का जो टैक्स है। आपको पता होगा कि जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पे थोड़ा हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, और जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पे थोड़ा मुझे हम लोगों को कम पे करना पड़ता है। तो देखिए, ये सब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ पेट्रोल डीजल हमें कम नहीं मिलता है, जब आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट मिलता है, पेट्रोल डीजल, बिटुमिन, उसके बाद ये बेंजीन, उसके बाद ये देखिए ऑटो गैस, ऊपर केरोसिन, सब कुछ थोड़ा थोड़ा हमें बहुत ही कम रेट में मिल जाता है। देखिए, इवन ऑटो गैस का भी देख लीजिए डिफरेंट प्राइसिंग है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में आई थिंक ये बहुत ही कम प्राइस है कंपेयर टू दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई। इवन एविएशन फ्यूल भी देख लीजिए, एविएशन फ्यूल मुंबई में थोड़ा कम है, लेकिन चेन्नई में थोड़ा ज़्यादा है। इवन आप देख लीजिए, ये गैस का जो प्राइस है, दिल्ली में 103 रुपये, मुंबई में 102, कोलकाता में ज़्यादा है, चेन्नई में 118 रुपये है। और इसके बाद देख लीजिए, हम लोग देखेंगे कि ये जो कंपनीज होता है ना, जो मान लीजिए एक्सट्रैक्ट करता है पेट्रोल मंगा के, उनका जो बाय प्रोडक्ट्स बेचता है, उसमें से एक आता है ONGC, उनका प्रॉफिट देख लीजिए आप, बहुत ऊपर जा चुका है। उसके बाद आप देख लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपको पता होगा ये रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया में सबसे बड़ा रिफाइनरी है उनका, तो उनका भी आप प्रॉफिट देख लीजिए यहाँ पर, 60,000 के आसपास। तो ये ओवरऑल इंडिया के जो कॉमन पीपल, उनके लिए अच्छा है, इंडिया का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके लिए भी अच्छा है। और जब ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट आपका घट जाता है, तो इन्फ्लेशन भी आपका कंट्रोल भी होता है, और इससे क्या होता है, ओवरऑल एक इकोनॉमी एक्टिविटी
होता है और उसके वजह से जॉब्स भी क्रिएट होता है इंडिया में।